नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 5 करोड़ में पीएम मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव देने वाला गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव देने वाले एक 43 साल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पुलिस की गिरफ्त में आए व्यक्ति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव दिया था। उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि यदि उसे कोई 5 करोड़ रुपये देगा तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर देगा। पुलिस ने गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार पांडुचेरी पुलिस ने 4 फरवरी को आर्यन कुप्पम गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। बता दें, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। बता दें, राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा 29.4 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान बोकारो 6.6 डिग्री। रांची में चलेगी नियो मेट्रो, सीएम हेमंत से मिले केंद्रीय सचिव ने मांगा प्रस्ताव। राजधानी रांची में सफर के लिए मेट्रो ट्रेन की तरह मेट्रो नियो की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर घर जल पहुंचाने की दिशा में बृहद तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही कई योजना शुरू करने जा रही है। झारखंड भी इन योजनाओं का लाभ उठाए। वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। छात्रवृत्ति घोटाले में सिर्फ एक जिले ने सौंपी रिपोर्ट। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में एसीबी को धनबाद जिले से रिपोर्ट मिल गई है। बता दें, एसीबी ने चतरा, धनबाद, गढ़वा समेत अन्य जिलों में सामने आए मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पाया था कि सभी जिलों में अलग अलग गिरोह द्वारा घोटाला को अंजाम दिया गया है। एसीबी की जाँच में किसी एक संगठित गिरोह की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले थे। ऐसे में एसीबी ने सभी जिलों के डीसी से छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित जानकारी मांगी थी। एसीबी को धनबाद छोड़कर शेष जिलों से रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। कोल्हान प्रमंडल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण की दिशा में काम रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें, यहां 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 500 करोड़ का निवेश होगा। खुद की यूनिट प्रारंभ करने के लिए अब तक 23 इकाइयों को ईएमसी में जमीन आवंटित की जा चुकी है और 4 इकाइयों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, 23 उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। पोषण सखियों ने प्रदर्शन कर विधायकों को सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ की ओर से मांगों को लेकर विभिन्न जिलों में विधायकों के आवास का घेराव किया गया। गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, धनबाद, दुमका और गोड्डा जिले में सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए पोषण सखियों ने मांगों को दोहराया। बता दें, प्रदर्शन के बाद सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपे गए, जिसमें पोषण सखी के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए न्यूनतम मजदूरी भुगतान करना, पोषण सखी के लिए विभागीय नियमावली बनाना, आंगनबाड़ी सेविका के समान बीमा और अवकाश की सुविधा देना और वरीयता के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की मांग शामिल है। आदिवासी समाज 7 फरवरी को करेगा जन आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पिछले दिनों हुए हमले के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में जन आक्रोश रैली होगी। बता दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी एवं सर्वधर्म समाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सरना भवन सभागार नागरा टोली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री पर विगत दिनों हुए हमले के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में 7 फरवरी को लोवाडी हाई टेंशन मैदान रांची में विशाल जन आक्रोश महारैली होगी। इसमें लाखों की संख्या में जन समूह का जुटान होगा। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, निशिकांत दुबे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बलात्कार, साइबर अपराध और धर्मांतरण का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए की मांग की।
उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में पिछले एक साल में 4000 बलात्कार की घटनाएं हुई है। इसके साथ ही राज्य के कई इकाइयों में धर्मांतरण चल रहा है, साइबर अपराध की घटनाएं हो रही है, स्थिति बहुत चिंताजनक है। दुबे ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तबलीगी जमात के 11 विदेशी नागरिक बरी। तबलीगी जमात के 11 सदस्यों को शुक्रवार को घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बता दें सभी को रांची जिले के तमार थाना क्षेत्र के रडगांव से 24 मार्च 2020 को पुलिस ने पकड़ा था और 7 अप्रैल को लॉकडाउन एवं वीजा उल्लंघन के आरोप में जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। झारखंड में 41 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1077 है। वहीं झारखंड में एक्टिव केस 441 है। भारत में 11,687 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 154,956 है। वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 145,953 है। मान्यता के लिए स्कूलों को देना होगा शिक्षकों का टेट प्रमाण पत्र। धनबाद डीसी। धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई। इस दौरान 25 निजी स्कूल के मान्यता का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया, जिसमें सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की गई। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि मई 2012 के बाद से जो भी विद्यालय खुले हैं या जहाँ शिक्षकों की बहाली हुई है, वहाँ के सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। वहीं मई 2012 के पूर्व बहाल शिक्षकों के लिए टेट की आवश्यकता नहीं है। किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर जवाब तलब। किसानों को फसल बीमा का भुगतान नहीं होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों को प्रतिवादी मानते हुए उन्हें 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में चतरा जिले के किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में राज्य के किसानों ने 207 और वर्ष 2017 में 176 करोड़ का फसल बीमा कराया था, लेकिन फसल खराब हो गई। बीमा की राशि के लिए किसानों ने क्लेम किया, लेकिन अभी तक उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। 9वें दिन भी सत्याग्रह आंदोलन पर अनुबंध सहायक प्राध्यापक। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर 9वें दिन शुक्रवार को भी राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर रहे। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर एस के झा ने कहा कि राज्य बनने के बाद यहाँ सिर्फ एक बार 2008 में व्याख्याता नियुक्ति हुई। इसके बाद 2018 में 1118 रिक्त पदों का विज्ञापन निकाला गया, पर उसमें भी अभी तक सिर्फ बैकलॉग के 250-300 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है। राज्य के 1 करोड़ बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। बच्चों में कृमि संक्रमण से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने बताया कि यह अभियान राज्य के 16 जिलों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत इन जिलों में 1 से 19 वर्ष तक के 1,08,18,177 बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। SSC MTS के लिए आवेदन शुरू। मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कर्मचारी चयन आयोग ने इसके संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार ssc.nic.in पर जाकर 21 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस का भुगतान 23 मार्च तक कर सकते हैं। आपको बता दें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, जबकि आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। ममता सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आदिवासियों का विकास बाधित करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार आदिवासी का विकास करना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अब अपना हक छीन कर लेने का समय आ गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खड़गपुर मकम्पा अंतर्गत नारायणगढ़ थाना के मकरामपुर स्थित मकरामपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित आदिवासी मुंडा सम्मेलन में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। आज वाम दल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक रहे रास्ता।
कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी रास्ता रोको कार्यक्रम के समर्थन में 6 फरवरी को झारखंड में भी वाम दल राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन ठप करेंगे। बता दें, राज्य में आवागमन ठप करने का कार्यक्रम 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वाम दलों के अलावा जन संगठन, ट्रेड यूनियन व सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। यह निर्णय गुरुवार को अल्बर्ट एक्का चौक के समीप स्थित भाकपा के राज्य कार्यालय में वाम दलों के संयुक्त बैठक में लिया गया। धन्यवाद।